सो ऑलराइट, वेलकम है आप सबका मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कलर ग्रेडियंट और सेलेक्टिव कलर आपके लिए कितने बेनिफिशियल रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मुझे सही लगी थी और आपको भी ट्राई आउट करनी चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन सही लगेंगी। तो यहाँ ग्रेडियंट मैप है, तो ये कहाँ से आता है? सबसे पहले तो ये आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ क्लिक करना है, ग्रेडियंट मैप पे क्लिक करना है तो आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपको ग्रेडियंट चाहिए, जैसा भी चाहिए। तो मैं न्यूट्रल्स में से करता हूँ, ये वाला, ये स्किन टोन है पूरा, ठीक है। अगर ये नहीं है आप पे तो कोई टेंशन नहीं है यार, मैं पूरा बता रहा हूँ अभी। और ये कलर कोड दिखाऊंगा, ये इसका कलर कोड है और ये वाला इसका कलर कोड है। तो आप ये कॉपी करेंगे, सेम कलर आ जाएंगे और इन दोनों में कोई कलर अलग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे यहाँ थोड़ा ड्रैग करना है और यहाँ पे आपको लाना है ब्लैक कलर पूरा। तो आप देख सकते होंगे कि इमेज में बहुत चीज़ें चेंज आ रही हैं, तो ये आएंगे अभी चेंजेस, ठीक है। अब जो करना है हमें वो देखना है कि हमें कौन से पार्ट में हमारी वो चाहिए कि इमेज को इफेक्ट करे वो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मेनली स्किन पे ज़्यादा ना आए, बस वाइट वाइट रहे जहाँ जहाँ स्किन है, ठीक है। तो हो ओके हिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो जो यहाँ पे अभी पॉइंट आया है वो है कि स्किन कलर ग्रेड नहीं करी है मैंने, जस्ट अराउंड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक अच्छे से कलर ग्रेड। तो यहाँ आपको ब्लेंड में रेड सेलेक्ट करना है कि मुझे यहाँ से स्किन हटानी है। ऑल्ट दबा के स्प्लिट कर दें इसे और फिर डिक्रीज करते जाएं जो भी आपको जगह चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद इसका इफेक्ट 100% है, तो आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं आराम से जितना आपको चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाऊंगा यहाँ पे कि ये फ़र्क क्या डालता है यहाँ पे। तो आप जब यहाँ नोटिस करेंगे तो स्किन में नोटिस करना आप कि कितना कलर वापस आ गया है, बाकी नहीं आया, मतलब बाकी में ब्लैक लग रहा था, ये है वो है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है थोड़ी सी स्किन के अंदर की, और ये फ़ायदेमंद भी रहती है। अगर आप 20 की ओपेसिटी पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना डिफर आ जाता है और स्किन भी अच्छी लगती है थोड़ी, ठीक है। उसके बाद जब आप कलर ग्रेड अप्लाई कर लें, मतलब जो भी आपको करनी हो कलर ग्रेड, तो मैंने यहाँ पे कर रखी है कलर ग्रेड अप्लाई, ठीक है। तो स्किन आप देख सकते हैं आप कितनी ब्राइटन अप हो गई है अच्छे से। तो ये जब ब्राइटन अप हो गई है स्किन, तो इसको मैंने सोचा था अब इसमें सेलेक्टिव कलर, क्योंकि यहाँ येलो कलर की लाइट थी पीछे बैकग्राउंड में और नीचे ब्लू है, तो मेरे स्किन रेड है यहाँ पे, तो मुझे स्पेसिफिकली अपने स्किन को सही करना था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से सिलेक्टिव कलर लिया, ठीक है, और यहाँ रेड में रहना है मुझे। अब रेड में मेरे को पता है कि मेरे स्किन पे मैजेंटा ज़्यादा है, सियान ज़्यादा है या येलो ज़्यादा है, तो मैजेंटा लग रहा है तो मैजेंटा की तरफ स्लाइड करेंगे थोड़ा सा तो येलो आ जाएगा वहाँ स्किन पे। तो आप देख सकते हैं येलो आ गया है, एक स्मूथ सा येलो लेके आएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से ना रेडनेस भी हटाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी रेडनेस बहुत अलग अलग है यहाँ पे, तो रेडनेस थोड़ी सी खींच लेते हैं इस फोटो में से, ठीक है। अब येलो भी ज़्यादा हो रहा है इसमें, तो येलो थोड़ा सा हटा सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। तो इस केस में मेरे को लग रहा है कि येलो थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए। फिर उसके बाद आप ओपेसिटी और वो भी कर सकते हैं ब्लैक से, तो ग्लो था तो ग्लो ही रहेगा फेस पे। तो यहाँ ये थोड़ा सा शाइनी, और यहाँ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा येलो और ऐड कर देते हैं क्योंकि कम लग रहा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डिफर आ गया है बेसिक टू यहाँ पे एडवांस तक में। तो आप देख सकते हैं एक जरा सा टूल आपके लिए कितना इफेक्टिव रह सकता है, और वो भी सेलेक्टिव कलर। तो यार इस टूल को ज़रूर यूज़ करें, और मेजर टिप थी ये, कलर ग्रेडिंग के ऊपर सब पूछते थे तो कलर ग्रेडिंग के ऊपर मैंने ज़रूर डाला है, तो आप ज़रूर चेकआउट करें इसे। और थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब।